वो कैसा एक्सपीरियंस था वो भी बताओ एक बार आपने उनसे बनवाया था अपना देखिए उनके उनको लोग ना बहुत जज करते हैं मैंने देखी है ये चीज बहुत बट जब आप किसी इंसान को जानते नहीं हो ना तो उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए वो मुझे बेटी मानते हैं अपनी बिटिया मानते हैं मुझे और इतना इतना लगाव है उनको मुझसे जब मैं उनको देखती हूँ मैं खुद रोने लग जाती हूँ और उनसे ज़्यादा मानती हूँ मैं मेरे दादा को मेरे हनुमान जी दादा आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उनकी वजह से हूँ आप यकीन नहीं मानोगे मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी चार फरवरी को ना भैया चार फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था भाई पीछे भाई आगे बैठा था मैं पीछे बैठी थी तो मैं कानों में ईयरफोन लगा के मैं राम जी के भजन सुन रही थी और गाड़ी एकदम से कुछ भी पता नहीं चला मेरा सर ऐसे कार में जाके लगा बहुत तेज़ पैर थोड़े में थोड़ी बहुत मैंने पहले देखा ब्लड ब्लड तो नहीं निकल रहा कहीं से कुछ फिर सारी चूक के देखा कि ठीक है सब बढ़िया है भैया को देखा भैया ठीक है ना एक मेकअप आर्टिस्ट भी बैठी हुई थी उसको पैर में थोड़ी सी लग गई थी ज़्यादा मतलब खून खरोज किसी किसी को नहीं आई सब ऐसे ही चोट लगी थी तो आप ये देख लो 110 की स्पीड से हमारी गाड़ी थी और सामने गाय से टक्कर हुई तो आप समझ रहे हो वो चीज़ एकदम से और किसी को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि क्या है मुझे हमेशा मेरे हनुमान जी दादा पर भरोसा रहता है मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे मेरा मानना क्या है आप समझ सकते हो जहाँ आपकी लिखी है ना आपको वहाँ से कोई नहीं बचा सकता आप अगर आप घर में भी बैठे हो ना आपकी लिखी है तो आप घर से उठ के किसी ना किसी बहाने से वहाँ जाओगे क्योंकि आपकी लिखी है नहीं लिखी ना तो भगवत गीता में भी ये बोला गया है कि कभी किसी की धमकी से ना डरो मौत से ना डरो जहाँ लिखी है वहाँ आएगी तो काफ़ी लोग होते हैं ना कि और वहाँ जाएंगे और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा अब लिखी है तो लिखी होगी भाई तो कुछ नहीं वहाँ मुझे फिर मैं धाम गई मुझे जाना था मैंने कहा यार अब तो मुझे अंदर से वाइब्स आ रही है कि मुझे जाना है मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं वहाँ पे ना हमारे घर से साढ़े आठ सौ किलोमीटर है और हम कार में जाते हैं बैठे बैठे जाते हैं थक भी जाते हैं बहुत ज़्यादा पर वहाँ जाके जो सुकून मिलता है ना बालाजी के दर्शन किए मैंने और मैं उनको देख के रो पड़ी उन्होंने मुझसे जैसे बोला वो कि तुझे कुछ नहीं हुआ ना तो ठीक है ना ऐसे बोला और फिर जब मैं गुरु से भी मिली गुरु से बागेश्वर वाली गुरु से मिली तो उन्होंने भी मुझे बोला कि कुछ नहीं हुआ ना कैसे सन्यासी बाबा की कृपा है तुम पे हमेशा बिना पूछे बोल दिया अच्छा मैं अच्छा ये चीज़ भी बता देती हूँ मैं उनसे एक साल पहले मिली थी दिल्ली में कथा थी वहाँ मिली थी मैं तो मुझे जब मिलवाया गया तो उन्होंने बोला आते से ही आ जाओ रेणुका बैठो बेटा चलो ठीक है मैं मान सकती हूँ आप लोग बोलोगे कि जानते होंगे सिंगर है बड़ी नाम जानते होंगे सबका चलो ठीक है जान गए पर्चा बनाया मेरा सारी चीज़ें लिख दी सब कुछ ठीक है बोला मम्मी के पैर की चोट कैसी है अभी मेरी मम्मी को एक साल पहले पैर में चोट लगी थी और मांस फटिया था कह रहे उनको बोलो काम ना करे करा करे ज्यादा और जो तुम्हारे घर पे शेरा वाली जी की तुम मूर्ति मूर्ति तुमने स्थापित की है ना बहुत कृपा है माता रानी की तुम पे और हमने सच में की है की थी की थी हमने तभी तभी मेरे भाई का नाम पापा का नाम सारी चीजें और दो तीन चीजें तो ऐसी बताइए कि मतलब नहीं कोई जानता भाई ना मेरी वो फेसबुक पे डली है ना मेरी वो इंस्टा पे है भाई कहाँ से आप देख लोगे तो ऐसी चीज़ है बट मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है उनके होते सच में नहीं है मुझे डर अगर कल को मैं फ्लॉप भी हो जाती हूँ ना वो मेरे कर्म है मैंने कोई गलत चीज़ की होगी कि मुझे उसका सामना करना पड़ा बिना किसी चीज़ के हनुमान जी मुझे कोई सज़ा दे ही नहीं सकते और मैं कभी ऐसे कर्म अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती नहीं करती अच्छा का हमने बातों बातों में काफी बार आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो जान ही लिए बट मैं चाहता हूँ जो जो क्या प्लान्स है क्या क्या और एक्सपेरिमेंट करना है और जैसे आप एक्सप्रेशन दे रहे हो मुझे तो लग रहा है अब एक्टिंग लाइन में भी फ्यूचर दिख <laughs> दिख रहा है मुझे आपका कि ऑफर तो आएंगे ही आएंगे और आपके एक्टिंग एक्टिंग तो मुझे नहीं करनी नहीं नहीं ये काम खाना कर दो भाई ने बोला तो मना कर चुकी हूं कई बार मेरे लिए थी पंजाब की अच्छा, बहुत बड़ी मैंने मना कर बट इफ दे आर पेइंग अ गुड इनफ बहुत पैसा दे रहे हैं फिर भी नहीं मुझे शायद वो कहीं ना कहीं चीज मेरे खुद को मुझे नहीं वो एक्सेप्ट हुई कि नहीं यार ये मेरी लाइन ये नहीं है अच्छा आप आप मल्टीलिंगुअल uh, इंसान हो ना, आप बढ़िया-बढ़िया भाषा बोल लेते हो अलग-अलग तो कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में गाना हो जाए साउथ इंडियन में ट्विस्ट देख रहे हो <थुएगी laughs> <थीज़ी थीज़ी स्केल्ट. laughs> ज्यादा तो नहीं आता थोड़ा सा हाँ सुनाओ पहले याद कर लो भूल भी गई होंगी क्या इधर तो देखो भाई इधर तो देखो याद करो <laughs> ते उत्ते देखो है इत्ते उत्ते देखो काद रोजावे इंग नंग कन्नड़ वधु दड़ी कन्ने कन्नू फिलहाल के लिए अच्छा, अच्छा 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 बहुत अच्छा हमें तो पता नहीं कैसा है कभी गाया नहीं ना पता बंगाली गाला तो हो जाए हाँ बंगाली, बंगाली हो।, हो जाए फाइनली जो इसमें अपनी एक्सपर्टीज है तू बोलबो भाभी के जो गोलपो को था तू ये सपने छिली छिली गोलपो को था आज तुर में रात में दिन केटे जा

तो जो जो म्यूजिशंस uh, प्रोड्यूसर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई हमारे पास एक मल्टी लैंग्वेज में गाने वाली सिंगर है जिनका ऑलरेडी बहुत देखे बड़ा नाम है बचपन से यही तो रहती हूँ मतलब हमारा मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि वर्सेटाइल नॉट इन टर्म्स ऑफ जॉनर बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी है रेणुका पवार जी तो हमें कट मिल जाएगा इसका <laughs>